का फोन है। अच्छा तू बात कर ले, तब तक हम फूल खरीदते हैं। हाँ बेटा बोल। माँ आप सब लोग कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ बेटा कुछ दान करना था इसलिए मंदिर जा रहे हैं। छोटी दुल्हे हमने नारियल नहीं लाए थे? नहीं मामी माँ बहू ने सब रखा है, उसे पता होगा, बहू से पूछ लीजिए। अब मैं मुन्ना से बात करके अब क्या। हाँ हाँ तू बात कर। हाँ बेटा बोल, तू कुछ कह रहा था? अब माँ अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ बोल। मैंने और दादू ने मिलकर अक्षय के लिए कुछ प्लान किया। हम व्यू गार्डन में उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये तो बहुत अच्छा सोचा है बेटा। माँ अभी दो घंटे हम लोग सारी तैयारियाँ कर लेंगे, आप सब लोग बस मंदिर से सीधा वहीं आ जाइए। और देखिए अक्षय को इस बारे में कुछ मत बताइए, ये उनके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है बेटा हम यहाँ से सीधा पार्क में ही आ जाएंगे। माँ लेकिन प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ मुन्ना नहीं चलेगा बहू को पता। 6:30 बजे का। ओहो चले आज तो मुझे स्कूल में लेट हो जाएगा। अनन्या का ड्रेस रिहर्सल है ना? वर्षा आज रहने दो ना। नहीं कैसे दूँ शौर्य। अरे रिहर्सल ही तो है, कंपटीशन थोड़ी है। शौर्य अगर वो रिहर्सल नहीं करेगी तो कंपटीशन में परफॉर्म कैसे करेगी? ओहो तो ठीक है तुम सीधा वहीं आ जाओ। ओके ठीक बाय बाय। दादू मैंने माँ से बात कर ली, वो सब लोग मंदिर से सीधा वहीं आ जाएंगे। सब मतलब? माँ भाभी माँ अक्षरा गिरजा नक्ष बाऊजी और दादाजी से मैंने फोन पे बात कर ली है, वो लोग ऑफिस से सीधा वहीं आ जाएंगे। आपने घर में सबको बता दिया? हाँ सबको बता दिया और सब टाइम से आ भी जाएंगे। शौर्य भैया इसे कहाँ रखा? यही रख दो भला, बाकी काम देखो जाके। जी जी जल्दी। हाँ सब काम पूरा होना चाहिए जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। दादू वाह ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, आउटडोर बर्थडे पार्टी बड़ा मजा आएगा। अंशु सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो चौकीदार मान गया, मैंने उसे वादा किया कि हम लोग बिल्कुल भी गंदगी नहीं फैलाएंगे। हाँ दादू और सारा कचरा उठाकर एकदम जगह साफ करके जाएंगे। पक्का हमारे लायक भी कोई काम है तो बताइए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण जी राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आप तो बस सबका मन बहलाइए बाकी सब हो जाएगा। काफी समय हो गया वर्षा नहीं आई अब तक, अब तो अनन्या को भी भूख लगी होगी। देखेगा दीदी आते ही अनन्या चीकू के साथ खेलने लगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जी तेरा इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारियां कर ली? दादाजी ये सब मैंने अकेले ने नहीं किया है, जमाईसा और मैंने मिलके किया। अरे वाह तन्ने तो साबित कर दिया कि एक और एक 11 हो गए। सॉरी 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 मैं थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली ट्रैफिक बहुत था। अक्षरा कहाँ है? यही तो मैं थारे से पूछने वाला था कि बहू कहाँ है। और माम वो तो आपके साथ आने वाली थी ना? नहीं तो तूने ही तो कहा था बहू को कुछ ना बताएं। हाँ पर लाना तो आपको था ना, मैंने कहा था ना मंदिर से सीधा यहीं आ जाइए। हाँ तो मंदिर से सीधे यहीं आए हैं। लेकिन अब अक्षरा माम मुझे लगा कि वो आपके साथ है। नहीं नहीं मुन्ना हम लोग तो मंदिर गए थे, बहू तो घर पे है ना बेटा। तो अब मुझे क्या पूछ रहा है, मैंने तो वही किया जो तूने कहा। मैम अरे खड़े खड़े के कर रहा है, जा जल्दी जल्दी जाके बहू को लेके आ जा, हम सब यहीं पे है और बहू वहाँ पे अकेली। लगता है आगे कड़ी खंबा बिंदड़ी। राधे कृष्ण जी कहिए। दद्दा जी घर माँ है? अब दद्दा जी तो घर पे नहीं है, दफ्तर गए हैं, अभी आते ही होंगे, कुछ काम था क्या? उन्होंने मन्ने बुलाया था काम के वास्ते। तो मुझे बताइए क्या काम है? काम तो मन्ने थारे से है भीनड़ी जी कहिए। जे हरी रंग की साड़ी घनी चोखी लागे है थारे। साची? हाँ थारे बीन ने कभी कहा नहीं थारे से? कहा उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है, धनी कहाँ खोए रहते हैं दिन भर। खैर वो सब छोड़िए आप बताइए आपको क्या काम है मुझसे। जब से थारे को देखा है मारे मन का तो जैसे चैन खो गया है, दिन रात थारा ही ख्याल आवे है मन में। आपने मुझे कब देखा?
जब सारी शादी बिना हुई थी तब से जानू हूं मैं तन्ने। बस उस दिन से मारे सपनों की रानी है तू, मारी प्रेम कहानी है तू। साची